नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक्ट्रेस राखी सावंत और उनके पति आदिल दुर्रानी की। आदिल दुर्रानी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां हर कोई राखी सावंत का समर्थन कर रहा है, उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मी टू मूवमेंट के बाद चर्चा में आने वाली एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकती है शर्लिन चोपड़ा। और साथ ही उन्होंने आदिल दुर्रानी का सपोर्ट यहां पर किया है, जो अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। क्या कुछ है शर्लिन चोपड़ा के स्टेटमेंट की सच्चाई आज के इस प्रोग्राम में, इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से शर्लिन चोपड़ा राखी सावंत की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम में चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए सीधे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सवाल के साथ। शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत के बीच का जो ये कोल्ड वॉर है, ये कोई पहली बार नहीं है कि शर्लिन ने राखी के खिलाफ कुछ कहा हो। इससे पहले भी दोनों एक्ट्रेसेस सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कई बार भिड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से राखी सावंत एक इतने बुरे दौर से गुजर रही हैं, उनकी माँ का निधन हो गया, आदिल दुर्रानी उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, जहाँ एक और एक्स हस्बैंड होते हुए भी रितेश राज राखी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में शर्लिन चोपड़ा का उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना, उनके पति आदिल दुर्रानी जिनके खिलाफ इतने सबूत हैं उन्हें सपोर्ट करना, आखिरकार शर्लिन के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखती हैं अंकिता? बिल्कुल, इस शर्लिन चोपड़ा का जो भी स्टेटमेंट अभी सामने आया है वो इस बात की गवाही देता है कि आपसी रंजिश के कारण शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत पर एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। आपको याद होगा कि राखी सावंत इससे पहले भी पुलिस ने उनको गिरफ्तारी का नोटिस दिया था, गिरफ्तार भी हो चुकी थी, उसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसे में जो आरोप थे वो खुद शर्लिन चोपड़ा ने लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राखी सावंत ने उनके आपत्तिजनक वीडियोस को पब्लिक किया है। अब जहां एक और राखी सावंत से पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, वहीं दूसरी ओर अब शर्लिन चोपड़ा जो हैं अपनी आपसी रंजिश को बाहर निकालने के लिए राखी सावंत पर एक बार फिर से उन्होंने धावा बोल दिया है। इस बात का खुलासा इस चीज से समझ करके हो सकता है कि एक ही निगाह में, एक ही बातचीत में, एक ही मुलाकात में आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंसान किस तरीके का है जिस इंसान पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप खुद आदिल खान दुर्रानी को नहीं जानती हैं, लेकिन जब पुलिस उनको हिरासत में लेती है, जब उन्हें गिरफ्तार करती है, तो आप जेल में जाती हैं, उनसे मुलाकात करती है। क्या जरूरत थी आपको जेल में जाने की? आदिल के साथ तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर भी वो जाती हैं। उसके बाद बाहर आकर के ये कहती हैं कि आदिल खान दुर्रानी तो मुझे बहुत ही जेन्युइन लगे, वैसे शांत व्यवहार के इंसान लगे, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, जबकि राखी सावंत यहाँ पूरे प्रूफ के साथ सामने आ रही है। ऐसे में ये बात 100% सच होती नजर आ रही है कि अपनी आपसी रंजिश को निकालने के लिए राखी सावंत के खिलाफ एक बार फिर से शर्लिन चोपड़ा ने आदिल खान दुर्रानी का साथ लिया है। जी, कहीं ना कहीं अंकिता ने काफी सही बात यहाँ पर बोली है और इस चीज से राखी सावंत के फैंस नहीं, कई सेलिब्रिटीज भी अग्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राखी सावंत अगर प्रूफ दे रही है अपने हर आरोप को लेकर, तो ऐसे में शर्लिन चोपड़ा का ये बयान कहीं ना कहीं राखी के खिलाफ उनका गुस्सा, उनकी रंजिश होने की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी हम आपको वो वीडियो में दिखाते हैं कि आखिरकार राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शादी को लेकर, आदिल की गिरफ्तारी को लेकर और राखी के इन तमाम स्टेटमेंट और आरोपों को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा, तो उसके लिए देखिए वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून शर्लिन जी, कैसे हो आप? बढ़िया। कई दिनों से राखी सावंत के का टॉपिक चल रहा है, आपको पता होगा, आप कुछ बोलना चाहोगे इस टॉपिक पे? मुझे कोई खास जानकारी नहीं है उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। मैंने सिर्फ इतना सुना कि उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई अपने पति के खिलाफ, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने पति के खिलाफ, आदिल दुर्रानी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है कि उन लोगों ने, आदिल ने उनके साथ कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रखे हैं। अच्छा। हाँ जी।
इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलूँ, मैंने उनके पति को अपना भाई माना है, तो भाई के बारे में इस तरह की बातें सुनकर अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं बस चाहूँगी कि जो कुछ भी है उन दोनों के बीच में ये खिटपिट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और अगर सच में उनके पति ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो अपनी गलती मान लें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर बताएं कि ये गलत फहमी की वजह कौन है और ये गलत फहमी कैसे पैदा हुई। आपको क्या लगता है कहाँ तक राखी सावंत की बात में सच्चाई है या आदिल दुरानी के बात पे? देखिए, मेरी मुलाकात हुई थी उनके पति से अम्बोली पुलिस स्टेशन में, और चंद लम्हे हमने बिताए। उन्होंने मुझको कहा कि मैं उनकी बीवी को माफ़ करूं, और मैंने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आपकी बहन के साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बर्ताव किया, तो क्या आप उसे माफ़ करेंगे? आपकी बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें या बहन के आपत्तिजनक वीडियोस किसी ने मीडिया को बुलाकर अगर दिखाया, तो क्या आप उसे माफ़ करेंगे? और मैंने पूछा कि क्या अगर आपकी बहन को किसी ने वैश्या कहा, तो क्या आप उसे माफ़ करेंगे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सर नीचे करके कहा कि आपको तो पता है ना, वो सर फ्री है, आप माफ़ कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, आप बहुत ही स्वार्थी बनकर उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, आप निष्पक्ष रूप से इस पूरे हादसे को देखिए और उसके बाद मुझे बताइए, एक भाई के नाते क्या आप अपनी बहन के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? आप अवश्य लेंगे अपनी बहन के लिए स्टैंड। आप आपकी बहन के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे, इस तरह का बर्ताव करे, आप कतई बर्दाश्त नहीं करोगे, तो हम क्यों बर्दाश्त करें, क्यों? तो उन्होंने यही बात कही कि आप बड़े हो ना, यानी मैंने पूछा एक्सक्यूज मी, बड़े मतलब? तो नहीं नहीं, मतलब आप ज़्यादा सोचे हुए इंसान हो और आप समझते हो चीज़ों को, तो आप माफ़ कर दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो कानून की प्रक्रिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या फैसला दिया जाता है इस केस के संबंध से। कुछ बात सामने आ रही है कि आदिल ने राखी सावंत के 1 से 1.5 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने, क्या ये बात सच होगी या? मुझे कुछ नहीं पता इन दोनों के बारे में, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ आदिल के साथ कुछ समय बिताकर पुलिस स्टेशन में कि वो बंदा जो है सुलझा हुआ है, यानी पता नहीं कैसे वो इस पूरे झमेले में फंस गया, बट जितनी देर मैंने बात की उससे ऐसा लगा मुझे कि सुलझा हुआ बंदा है, और मैंने बोला भी उसको उसके मुंह पर कि तुम तो सुलझे हुए लगते हो, तो कहाँ आ गए तुम, हाँ कैसे फंस गए इस पूरे चक्कर में? तो उसने बोला किस्मत, क्या करें। उन्होंने इस बात पे क्या बोला? यही कहा किस्मत, क्या करें। तो अब क्या पता अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत, लेकिन जो कुछ किया है मेरे ख्याल से होशो आवाज़ में किया होगा, आंखें बंद करके तो शादी नहीं की। तो जिस किसी वजह से शादी की उस वजह को वो मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे झमेले को ठीक करें, और सुर्खियों में आने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग आपस में खिटपिट करें या अपने रिश्ते का मजाक बनाएं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, और मेरे ख्याल से इस रिश्ते का मजाक किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से पहली ही मुलाकात में आदिल का साथ दे रही है शर्लिन चोपड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार शर्लिन के इस बयान पर राखी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राखी खामोश रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि शर्लिन चोपड़ा के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है आप शेयर कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।